नमस्कार दोस्तों, और सब कैसे हैं आप? आज अपराजिता का बड़े खुशी का दिन है। आज जो उसका ये बाल है, हेयर है, इसका पूरा न्यू लुक आएगा। हेयर कट होगा आज मैडम का, और ये अभी लास्ट ऐसे दिखने में है, देख लिया लास्ट, अभी देखते हैं क्या होता। हाय गाइस, तो आप सब कैसे हैं? तो आज हम निकले, जैसे अपराजिता का मेरा ऑफिस का थोड़ा मिल गया, सैटरडे संडे जब भी थोड़ा फ्री मिल जाता है तो कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, कुछ ना कुछ बाहर का। आज हेयर कट करवाना है अपराजिता का, तो हम लोग एक पार्लर में जा रहे हैं, सैलून में जा रहे हैं एक्चुअली। हेड टर्नर नाम है, हेड टर्नर स्पोर्ट टर्नर स्पोर्ट सैलून, तो गोल पार्क की वहाँ पर है। तो देखते हैं, अभी GPS लगा के जा रहे हैं और उसके बाद भी प्लान है, जैसे कि हमारा सालगिरह है, आपको पता ही होगा अगर वीडियो देखा होगा तो। तो जो है सालगिरह के लिए, अपराजिता के लिए कुछ लूंगा ज्वेलरी, वो सरप्राइज है, अभी सेंको गोल्ड में जाके देखेंगे। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं अभी इस गली के अंदर। मैंने पीछे गाड़ी पार्क कर दिया, गाड़ी पार्क करके अभी हम लौट रहे हैं सैलून की तरफ। ये रेड कलर से ये बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, हेड टर्नर्स, मतलब फर्स्ट फ्लोर में बना हुआ है इस बिल्डिंग का। चलिए देखते हैं। बाप रे, ऐसा स्कूटी बाइक पूरा भरा पड़ा हुआ है, शायद स्टाफ का होगा। अच्छा, मैक्स का भी यहाँ ऐड हो रहा है। ये अभी सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा ऊपर में। ये रूनी वगैरह का फोटो दे के रखा है, ऐसा कि स्पोर्ट्समैन लुक जैसा दे देगा क्या अपराजिता को। देखते हैं कि क्या लुक देता है ये लोग। चलिए आ गए। Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Normal hair cutting. तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है यहाँ पे कि दो टाइप के हेयर स्टाइलिस्ट यहाँ पे है, एक सीनियर है, एक जूनियर है। जूनियर से आप करवाओगे 599 प्लस टैक्स प्लस कुछ सैनिटेशन चार्ज है, और सीनियर से करवाओगे तो 899 प्लस सैनिटेशन चार्ज प्लस टैक्स। तो आजकल सैनिटेशन चार्ज हर जगह में घुसा रहे ये लोग, पता नहीं कैसे क्या सैनिटाइज करते हैं, लेकिन ये चार्ज आपको हर जगह मिल जाएगा सैनिटेशन चार्ज। तो जो कि नाम से स्पोर्ट्स सैलून है, तो इसका लुक ऐसे स्पोर्ट्स जैसा देख के रखा हुआ है, बॉल्स वगैरह लगा है, और फीफा के साथ भी इनका कुछ कोऑपरेशन है। तो अभी मैडम का चालू हो गया है, ये पहले इनको शावर देंगे और फिर बाल में शैम्पू वगैरह लगा के अच्छे से मसाज वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद हेयर कटिंग होगा। ये सब इनके प्रोडक्ट्स वगैरह है, ये भी ये बेचने की कोशिश करते हैं, मुझे भी बोला था, मैंने बोला नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। और ये देखिए, ब्राज़ील का जर्सी वगैरह लगा के रखा हुआ। तो शैम्पू के बाद अपराजिता को ऐसी जगह बैठा दिया साइकिल के सामने, एक साइकिल को जो है लटका दिया है, और उसके टायर में ऐसे मिरर बना दिया शीशा लगा के। तो ये इनका एक नया एक स्टाइल है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। तो चलो जो भी हो, तो इसी में अभी हेयर कटिंग यहाँ होगा। अपने जो हेयर स्टाइलिस्ट मैडम है वो अभी आई नहीं, वो आ रही है। और ये ऊपर का देखिए डेकोरेशन वगैरह ऐसे किया हुआ है, और बाहर में भी हेयर कटिंग हो रहा है, मतलब ये एक सामने ग्लास जैसा पार्टीशन देके बना हुआ है, और बाहर में जो हेयर कटिंग कर रहा है शायद वो जूनियर हेयर स्टाइलिस्ट होंगे। तो इसका जो सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट है तो इसलिए शायद यहीं बैठा के रखा हुआ है, और वो बगल वाली लड़की ने बाल में अजीब कलर करके रखा हुआ है। तो ये आ गई है हेयर स्टाइलिस्ट मैडम, सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट।
तो अभी देखते हैं बाल का क्या लुक आता है ना। और दोस्तों क्या हाल है? तो जैसे अभी हेयर कटिंग चल रहा है अपरिता का, तो मैं अभी थोड़ा पार्किंग में आ गया गाड़ी के पास अपना, थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है काफ़ी लंबा। ये मैडम का पर्स ऊपर में रख दिया। तो आज मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ, मैंने भी आज हेयर कट कर ही लिया है फाइनली सुबह जाके, तो मेरा थोड़ा सस्ता वाला दुकान से कर लिया है। लेकिन वाइफ है तो उनको तो बढ़िया करवाना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसा निकलता है। रिव्यूज़ तो अच्छा ही है इस सलून का, तो लेयर कट के लिए बोला हुआ है, देखते हैं मैडम कितना डिफरेंट दिखती है। और आज का थोड़ा प्लान है मेरा, एक डायमंड का मंगलसूत्र या नेकलेस जो बढ़िया लगे तो वो गिफ्ट करने का आज का प्लान है। तो देखते हैं अभी कब हेयर कट ख़त्म होता है, फिर जाएंगे सेनको गोल्ड गोल्ड के बारे में ही सोचा हुआ है, तो कलेक्शन भी बढ़िया है उसका। बाकी वीकडेज में तो यार टाइम ही नहीं मिल पाता है, दिक्कत यही हो गई है ना। अब जो भी कुछ नया प्लान्स वगैरह जो भी कुछ बनता है तो उसमें जैसे वीकेंड करके ही प्लानिंग वगैरह करना पड़ता है, और सैटरडे संडे को इतना ज़्यादा सब कुछ आ जाता है, इतना प्रेशर बन जाता है कि ये भी करना है वो भी करना है, बहुत सारा कमिटमेंट्स आ जाता है। और ऊपर से आज जैसे ऑफिस में हम लोगों का वो था श्रमदान का, एक आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुछ अनाउंस किया है कि श्रमदान वगैरह करना पड़ेगा सैटरडे को, हर सैटरडे श्रमदान होगा। श्रमदान मतलब जैसे सैटरडे करके वो करना है, आपको सब सफाई वगैरह करना है, झाड़ू पोछा लगाना है ऑफिस में या ऑफिस के सराउंडिंग्स में, वैसे करना है। तो वो जैसे होता है कि श्रमदान होता है, तो वही आज तो उसी का डेट था, ऑफिस में बुलाया भी था तो बहुत लोग गए होंगे, तो मैंने थोड़ा स्पेशल लीव अप्लाई करके आज के लिए मैंने बोला कि सर आज के लिए छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वीक से करेंगे, तो थोड़ा स्पेशल लीव अप्लाई करके मैंने एडजस्ट करके मैं आया हूँ कि मैडम का भी आज छुट्टी रहता है, नेक्स्ट वीक फिर से छुट्टी नहीं रहेगा, तो सब कुछ देख के थोड़ा प्लान करना पड़ता है। नौकरी करने वालों का यार छुट्टी का बहुत प्रॉब्लम होता है यार, कोई भी प्लान करो वो करो पहले ही साला लगता है कि अच्छा कितना छुट्टी लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कब अप्लाई करना है, मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत झमेला है यार। चलो फिर देखते जाके मैडम को कितना दूर हुआ। अभी बस दो साइड से काम चल रहा है बाल के ऊपर मैडम का, खतरनाक बाल बना रहे हैं पूरा, पता नहीं मैं पहचान पाऊंगा या नहीं, लेकिन अभी बोल रहे कि अभी और 10 मिनट लगेगा, तो मैं बाहर अभी बैठ जाता हूँ। और फाइनली हो गया हेयर कट, और मैडम का बाल थोड़ा अलग तरीके का लग रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी पसंद है, तो बढ़िया है। तो सोच रहा हूँ इसके बाद भी जब भी कुछ हेयर स्टाइलिश वगैरह करना है तो यही लाऊंगा मैं मैडम को। तो दोस्तों ये हम लोग आ गए हैं सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स, जो कि वहीं पर हेड टर्नर से थोड़ा आगे आके ही है, तो गाड़ी हमने वहीं रखा हुआ है पार्किंग में, और पता नहीं काफ़ी चार्ज लेगा पार्किंग का जो भी हो। तो अभी अंदर में कैमरा वैसे अलाउड नहीं है, लेकिन जो कि ये हमने सिलेक्शन कर लिया है तो तभी ये दिखा पा रहा हूँ, और ये गोल्ड का इयररिंग्स मैडम ने लिया, तो ये भी डिस्काउंट्स वगैरह चल रहा है अभी,
तो इसलिए ले लिया। और ये कुछ इनका केक कटिंग का सेरेमनी भी सेम डे ही था, तो हमको केक भी मिल गया और केक वगैरह खिला के जेब हल्का कर लिया ये लोगों ने। तो ये मैंने मैडम के लिए लिया, एनिवर्सरी के गिफ्ट है, डायमंड का है ये मंगलसूत्र, और ये इयररिंग्स गोल्ड इयररिंग्स ले लिया मैडम ने। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग लौट रहे हैं घर, और ये भीड़ पूरा बहुत लंबा, गाड़ी का लाइन लगा हुआ। तो दोस्तों अभी हम लोग लौट रहे हैं, हम दोनों ही भिखारी हो गए। तो अभी हेयर कट भी हो गया, ज्वेलरी भी ले लिए मैंने, एक डायमंड वाला मंगलसूत्र गिफ्ट किया है अपराजिता को, और अपराजिता ने एक वो इयररिंग्स लिए गोल्ड का। तो काफी थोड़ा हल्का फील हो रहा है, अकाउंट सब थोड़ा खाली हो गया। अभी जैम में फंसे हुए हैं, रुस्तम जी के होय तो चिंते पर ना जैम है। ये अगले दिन फिर मैडम के ऑफिस से मिठाई मिला, धनतेरस वाला, और इसके बाद फिर दिवाली का भी मिठाई मिला अगले दिन। मेरे ऑफिस से अभी तक कुछ मिला नहीं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। दिल्ली के ऑफिस में तो मिल जाता था, यहाँ पता नहीं क्या होगा। तो ये रहा गुप्ता ब्रदर्स का काजू बर्फी, और उधर भिखारम का लड्डू भी आया है, तो बढ़िया है। और आप सबको भी बहुत बहुत दीपावली के बहुत बहुत बधाई, आपको आपके परिवार को, और खुश रहिए। चलिए बाय, टेक केयर।